विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मकर राशि के जो जातक हैं, सितंबर 2024 में शनि महाराज और राहु महाराज आपको क्या क्या प्रभाव देने जा रहे हैं, क्या क्या परिणाम देने जा रहे हैं। आपके कुंडली में शनि महाराज पहले से ही वक्री हैं। यहाँ पर जिस भाव में शनि महाराज बैठे हैं, जिस भाव में राहु महाराज बैठे हैं, यहाँ से जो इनकी तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि है, राहु महाराज की पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि है, ये आपके लिए क्या क्या लेके आ रही है। वैसे शनि महाराज यहाँ पर गलत भाव में बैठे हैं। राहु महाराज हालांकि कुछ अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ दे सकते हैं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, मैं आपको खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलने वाला हूँ। जो आपको रिजल्ट देंगे शनि महाराज, जो आपको रिजल्ट देंगे राहु महाराज, वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप सच सुनना चाहते हैं कि सितंबर 2024 में शनि महाराज और राहु महाराज आपके कुंडली में क्या क्या प्रभाव देंगे, क्या क्या आपके लिए राहु महाराज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जो जातक हैं, ज्यादातर शनि महाराज आपके लिए शुभ परिणाम लेके आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है आपके लिए। यहाँ पर अंतिम चरण गुजरने जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं मकर राशि के लिए शनि महाराज कुछ तो अच्छा देने जा रहे हैं। हालांकि अभी आप त्रस्त हैं, अभी आपका जो सिचुएशन है वो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि महाराज बैठने का मतलब है यहाँ पर आपके कुटुंब के साथ। पिछले लगभग 5-6 साल से आप देखिए, जब से साढ़े साती का प्रभाव है, तब से भी आप आकलन कर सकते हैं, चाहे आपका बचत हो, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो कुटुंब में, यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं मान हानि हो रही है। जो आप बात बोल रहे हो, शायद वो आपका परिवार नहीं समझ पा रहा है, या फिर आपके वाणी दोष में शनि आके बैठ गए हैं। आप जो कुछ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपसे गलत बोला जा रहा है। हालांकि आप अच्छा सोच रहे हो, मन में सोच रहे हो अच्छा, लेकिन जो बोलना चाह रहे हो वो न बोल के कुछ दूसरा ही आपसे बोला जा रहा है। सितंबर 2024 में शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है, यह आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। हालांकि यहाँ पे कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भूमि का अल्प सुख मिल सकता है। अर्थात यदि कुछ ऐसे सिचुएशन बनेंगे जहाँ पर यदि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको भूमि सुख, मकान सुख मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। बाकी हर जगह पर शनि महाराज की जो दृष्टि है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। शनि महाराज की जो दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है सातवीं, वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रही है, और वहां पर इस समय सूर्य महाराज जी विद्यमान है। सूर्य महाराज जी जब तक कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तब तक आपको यहाँ पर शनि महाराज थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि सूर्य महाराज की दृष्टि से शनि महाराज अस्त हो जाते हैं। सूर्य महाराज जिस भाव में बैठते हैं और जिस भाव पे संपूर्ण दृष्टि देते हैं, अर्थात जो उनकी सातवीं दृष्टि रहती है, वो पूरी तरह से ग्रह को अस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सूर्य सातवीं दृष्टि से अच्छा रिजल्ट देंगे। तो जब तक यहाँ पर वक्री है शनि और साथ ही साथ सातवें भाव पे सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर 15 सितंबर तक आपको अच्छा अनुभव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बचत को लेके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, पर बचत नहीं हो पा रहा है। लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत है वह व्यर्थ चला जा रहा है। बात करें यदि यहाँ पे राहु महाराज का, राहु महाराज जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं, तो यहाँ पर छोटे भाई बहन के साथ आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, लाभ के प्रमाण में वृद्धि करते हैं। हालांकि लाभ में अभी वहाँ पे कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। यदि आपके कुंडली में, जहाँ पर लग्न कुंडली आपके, यदि वहाँ पर कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा, तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट देंगे राहु महाराज। लेकिन यहाँ पर कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपके लाभ का प्रमाण थोड़ा सा घटाएंगे राहु महाराज। छोटे भाई बहन के साथ अल्प सुख आपको ज़रूर मिलेगा,
छोटे भाई बहन जो हैं आपके, माता के साथ आपका अल्प सुख जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा घटेगा। आप प्रत्यक्ष रूप से तो आप अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, हर चीज से लड़ना चाहते हो, लेकिन जब से यहाँ पर राहु महाराज जी बैठे हैं पिछले लगभग 9 महीने से, तब से आपको कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ही संदेह हो रहा है कि क्या मैं ये कार्य कर पाऊंगा, क्या मैं ये कार्य कर सकता हूं कि नहीं, क्या ये मेरे लिए अच्छा, मतलब क्या कौन के बीच में आप अपने आप को फंसा लिए हो। क्योंकि राहु महाराज जब तक यहां पे बैठे रहेंगे तब तक आपके मन में संदेह देते रहेंगे। राहु महाराज की जो पांचवी दृष्टि है ये आपके कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रहा है, जहां पर बुध महाराज जी गोचर कर रहे हैं इस समय। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके और आपके पत्नी के बीच में झगड़ा करा सकते हैं, कुटिल बुद्धि दे सकते हैं, आपके मन में बुरे विचार आएंगे। मैं सिर्फ अच्छा नहीं बताऊंगा, जो आपकी कुंडली कह रही है गोचर में मैं वो बता रहा हूं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए बंधु कुछ ऐसी बातें नहीं बोलूंगा कि आपको गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, नहीं। जो राहु आपके कुंडली में सचमुच में जो रिजल्ट दे रहे हैं वो बता रहा हूं गोचर में। अब आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा कि जन्म कुंडली में राहु महाराज किस जगह पे बैठे हैं, और गोचर से फिर आपको मिला के आपको फलादेश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल गोचर का जो बात है मैं वो बता रहा हूं। गोचर में यहां पर बुध महाराज के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी, अर्थात आप किसी के लिए कुछ गलत सोचेंगे, आपके मन में ईर्ष्या द्वेष संबंध को लेके, किसी गैर के लिए नहीं अपनी पत्नी को लेके, अपने व्यापार में किसी से ईर्ष्या द्वेष घृणा क्रोध कर सकते हैं, तो यहां पर आपका नुकसान हो सकता है। तो यदि आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या आपका जो दाम्पत्य जीवन है, यहां पर क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव राहु महाराज पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं, और ये जो सप्तम भाव रहता है ये आपके व्यापार का रहता है, पति पत्नी के संबंध का होता है, विवाह का रहता है, तो यहां पर आपके व्यापार को लेके आप अपने से जो बड़े हैं वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, आपके मन में कोई उनके प्रति कुटिल बुद्धि गंदे विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको इससे आपके लिए ही कहीं ना कहीं आगे चल के हानि उठाना पड़ेगा। तो कृपया करके आप इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट में करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप काल भैरव की पूजा कर सकते हैं, साथ ही साथ शिव जी की पूजा कर सकते हैं, इससे आपके कुंडली के राहु जो हैं वो शांत हो जाएंगे। यदि आपके कुंडली में राहु आपको ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं तो आप शंकर जी पे शिव जी के मंदिर में जाके आप 7 मुट्ठी गेहूं जरूर अर्पण कर दीजिएगा, इससे आपके कुंडली के जो राहु हैं वो मजबूत हो जाएंगे और आपको शुभ परिणाम देंगे। यदि आपका फिलहाल और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त।